प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हो गई है और सुना आपने जब कांग्रेस की तरफ से इसकी शुरुआत की गई, गौरव गोगोई ने कांग्रेस का पक्ष रखा, इंडिया गठबंधन का पक्ष रखा और किस तरीके से जवाब दिया गया सत्ता पक्ष की तरफ से निशिकांत दुबे ने, आपको सुनवाते हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है, मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी दो मनस्थिति है, वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिक पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।